कर दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों निधि ने इस समय प्रीता को मारने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि वो चाहती है कि किसी भी तरीका से प्रीता जिंदा ना रहे, क्योंकि अगर प्रीता जिंदा रही तो फिर से इस घर में एंट्री करेगी, और इस घर में एंट्री करने के बाद में सभी लोगों को पता है कि सीधा सीधा निधि का इस घर से निकाला ही होगा, क्योंकि निधि से तो वैसे भी इस घर के सभी लोग बेहद ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि दोस्तों निधि ने हमेशा इस परिवार को तोड़ने के अलावा दूसरा काम किया ही नहीं है, क्योंकि निधि ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नफरत ही फैलाई है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय शौर्य को अगर बिगाड़ने का किसी का हाथ है तो उसमें निधि इन्वॉल्व है, क्योंकि निधि को दोस्तों उसकी सज़ा मिलकर रहेगी चाहे किसी भी सूरत में मिले, लेकिन निधि यहाँ से बचने वालों में से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ अलग तरीका से बोला गया है कि निधि ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा निधि को मिलेगी भी, और ऐसी मिलेगी बहुत ज़्यादा। हालांकि दोस्तों राजवीर ने फिलहाल के लिए बोला है कि हाँ किसी भी तरीका से मॉम इन लोगों को ना दिखे और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर इन लोगों ने देख लिया तो ये प्रीता को रोक लेंगे, और ये ही नहीं चाहता है किसी भी तरीका से राजवीर। राजवीर ने माना है कि अगर यहाँ इन लोगों को पता चल गया मेरी माँ के बारे में तो फिर और भी ज़्यादा बड़ा रायता फैल सकता है, जो कि किसी भी सूरत में चाहता भी नहीं है ये चीज़ होनी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाकई में कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित हैं राजवीर की तरफ से, कि राजवीर के ऊपर आखिरकार आरोप लग रहे हैं या वाकई में राजवीर ने इस समय किया है कुछ शौर्य के साथ में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कहानी नए दिलचस्प ट्विस्ट पर आ अटक चुकी है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो, ये जरूर बताइए गाइज, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। लव यू गाइज, लव यू।